फ्रेंड्स, ये हमारा मारवाड़ का इतिहास का पार्ट थर्ड है। ठीक है, अपन ने दो पार्ट देखे थे पहले, जो अपन ने राव छुंडा तक देखे थे, उसके बाद से आगे का इतिहास अपन इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले आपको बताना चाहूँगा जो हमारा कोचिंग है, सक्षम ऑनलाइन क्लासेज। ठीक है, सक्षम ऑनलाइन क्लासेज है, आपको डेली की डेली अपडेट पाने के लिए इसको सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। ठीक है, साथ में आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो भी बिना कोचिंग किए हुए इस वीडियो के माध्यम से फायदा उठा सके। ठीक है, इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपने पढ़ा था कुकर चुंडा, राव चुंडा। ठीक है, अपन ने पढ़ा था राव चुंडा। ठीक है, इस राव चुंडा, इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र बना था काना। ठीक है, और काना शासन बना था, उसके बाद रणमल आया था। ठीक है, उसके बाद अभी आएगा जोधा। अब जोधा के बारे में, रणमल के बारे में आपको पिछले वाले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ, तो अब अपन बात करेंगे जोधा के बारे में, जो 1438 से 89 तक शासन रहा, शासन किया इसने। ये इम्पोर्टेंट है राज अपन के पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जोधा। ठीक है, अब और इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, जो मैं छुंडा ने जो मतलब जो बनाए थे, कहाँ अधिकार कर लिया था, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने खाटू, डिडवाड़ा, खाटू डिडवाड़ा, अजमेर, नाडोल पे अधिकार किया था। ठीक है, और साथ में जो कुछ बनाया था, वो क्या बनाए थे, एक तालाब का निर्माण कराया था, इसका नाम था छुंडासर तालाब, जो वर्तमान में नागौर में स्थित है। और एक बावड़ी का निर्माण कराया था, इसकी पत्नी थी चांद कुंवर, उसका नाम, उसके नाम पे चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। ठीक है, वो है जोधपुर में। उसके बाद इसका पुत्र बना था कौन, इसका रणमल का पुत्र बना था जोधा शासक। ठीक है, इसके बाद अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे जोधा के बारे में। ठीक है, जोधा ने, जोधा पहले घूमता हुआ है, घूमता बहुत घुमा, इधर उधर घुमा, फिर इन्होंने 1453 की बात करें अपन, इसमें करणी माता, जो करणी माता, ठीक है, करणी माता चूहों की देवी कहते हैं उसको, करणी माता के सहयोग से इन्होंने एक मैरानगढ़ का किला है, इसकी नींव रखी थी करणी माता के सहयोग से, मैरानगढ़ के किले की। ठीक है, ये चिड़ियानाथ की टोक पे जोधपुर में स्थित है, इसके बारे में अपन आप डिटेल से बात करेंगे, जो मैरानगढ़ का दूर अपन पढ़ेंगे। ठीक है, राजस्थान की कला एंड संस्कृति में, उसमें अपन अध्ययन करेंगे। फिलहाल अपन, ठीक है, कुछ इतना ही देखते हैं, ये बना इससे के बारे में छोड़, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं इतिहास के बारे में, क्या बना है उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन जो इसका बैरनगढ़ का किला है, उसके बारे में जो कुछ है, वो भी इंपॉर्टेंट बातें होगी, वो उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, 1459 में ये बनाया था, इसी 1459 इसमें मैरानगढ़ का एक किला बन के तैयार हुआ था। ठीक है, और जब किला बन रहा था, उस टाइम क्या था कि इसकी जो दीवारें थी, नींव वो गिर जाती थी, तो एक आदमी था राजा राम मेघवाल नाम का, ये एक जिंदा मतलब इसमें नींव के अंदर गाड़ा गया था, जिंदा जिंदा समाधि ली थी इन्होंने। तो करणी माता ने कहा था कि अगर ये दीवार तो गिर रही है, लेकिन इसके एक उपाय है कि अगर कोई इंसान खुद से अपनी इच्छा से कह दे कि हाँ नींव में अंदर, ठीक है, अपन को चिन्हवा दे खुद को, तो वो मतलब दीवार होती थी, वो मतलब सीधी खड़ी रह सकती थी। तो फिर ये राजा राम मेघवाल नाम का आदमी था, इन्होंने खुद ने अपने इच्छा से जो इस अपने इस नींव के अंदर चिन्हवाया, जिससे ये दीवार बननी स्टार्ट हो गई, और मैरानगढ़ आज का जो भव्य मैरानगढ़ के दुर्ग है वो बना हुआ है। ठीक है, ये बात करते हैं, तो इसमें एक है महल बना हुआ है, जसवंत थड़ा। आप सोच रहे होंगे कि जसवंत थड़ा है तो जसवंत सिंह ने बनाया होगा, लेकिन बात कुछ अलग है,
कि इसका पुत्र था जसन सिंह जी का, उसका पुत्र का नाम था जो सरदार सिंह। ठीक है, इन्होंने अपने पिता की याद में, ठीक है, इनकी याद में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था, जिसे बोलते हैं राजस्थान का ताजमहल। इसको क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल किसको बोलते हैं? जसवंत थड़ा को, जहाँ कहाँ पे मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। और जो अपन के जोधा साहब थे, इनकी पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम था जसवा दे। ये जोधपुर के बहुत ही वीर शासक हुए थे राठौड़ों के, इनकी पत्नी का नाम था जसवा दे। इन्होंने एक तालाब का निर्माण करवाया था जोधपुर में, जिसे बोलते हैं रानी सर का तालाब। ठीक है, रानी सर तालाब का निर्माण कराया था इन्होंने जोधपुर में। जल की कमी हो गई थी तो इन्होंने ये इस तालाब का निर्माण करवाया था। ठीक है, एक बार आप पूरा देख ले और इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, याद रखने के लिए। ठीक है, फिर अपन एक बात करें कि 1453 की एक बात है। इधर थे मारवाड़ का शासक कौन था? मारवाड़ शासक था पर कौन थे भाई? ये थे जोधा। इधर था मेवाड़, मेवाड़ के शासक थे कुंभा, मेवाड़ के शासक थे कुंभा। ठीक है, इसके क्या लगती थी? यहाँ पे एक बीच में अपन ले लो हंसाबाई। आपने इतिहास पढ़ा आगे तो जोधा के हंसाबाई क्या लगती थी? रणमल इसका भाई था, रणमल का ये इसकी क्या हो गई? बुआ। और इसकी इसका पुत्र कौन था? मोगल। मोगल किसका पापा था? कुंभा का। तो इसके क्या हो गई? दादी। ठीक है, इसकी दादी थी, ये था। फिर हंसा भाई ने अपने बेटे से बात की, कुंभा से, इसने अपने भतीजे से बात की जोधा से, कि यार अपन जो ये सीमा विवाद है इसको अपन निपटा ले। ठीक है, और दोनों समझ लो भाई, जो भी हुआ है यार, जो पहले हुआ था उसको भूल के, अपना परिवार है तो अपन को संभालना तो पड़ेगा ही। तो फिर हंसा भाई के सहयोग से एक संधि हुई थी, जिसे बोलते हैं आवल बावल की संधि। बावल की संधि हुई थी, सीमा विवाद था, सीमा विवाद को निपटाने के लिए। ठीक है, सीमा विवाद के लिए। ठीक है, ये आवल बावल की संधि हुई थी। ये हुई थी कि सोजत है जो पाली जिले के अंतर्गत आता है, सोजत बहुत ही राजपूताना था, राठौड़ वंश का एक। इसमें बहुत सारे आपको सुना होगा सोजत के बारे में, कितनी बार आया होगा। ठीक है, और भी आपको बताएंगे सोजत में क्या क्या हुआ था वो वगैरह। आवल बावल की संधि हुई थी। फिर क्या था कि इनकी जो पुत्री थी, ठीक है, किसकी? जोधा की पुत्री, और इसका पुत्र था, इसका पुत्र नाम था रायमल। ठीक है, इसका पुत्र रायमल, तो उसकी इससे शादी करा दी। ठीक है, इसकी शादी हो गई। ठीक है, और उसके बाद इसके जो संतान थी मुख्यतः, ठीक है, संतान की बात करते हैं तो मतलब कुछ कहते हैं 5 संतान है, अलग अलग मत, सबका अलग अलग मत है। एक था निका, दूसरा था विका, ठीक है, एक का नाम था सातल देव, एक का नाम था सुजा। ठीक है, एक का नाम था सुजा, ये इनके पुत्र थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसमें भी वही बात आ गई कि
कि जो मतलब एक रानी थी इनकी, किसकी, जोधा की। उस रानी से मतलब इनका बहुत लगाव था जोधा को। तो रानी ने कहा कि मेरा पुत्र है ना वही शासक बनेगा, ठीक है, लेकिन बनने वाला कौन था, बिक्का। तो फिर क्या हुआ कि जोधा ने कहा कि भाई ट्राई करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। तो उन्होंने, उनकी रानी ने कहा कि नहीं, मेरा पुत्र ही शासक बनेगा। फिर क्या किया कि इन्होंने बिका को अपने रूम में बुलाया और रात में बात की कि बिका मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो बिका जी ने कहा कि पिताश्री जो भी आप मांगिए वो आपके लिए हाजिर है, ठीक है, तो जो हाजिर है। तो इन्होंने कहा कि पिताश्री ठीक है, आप जो भी कहोगे, आप जैसा कहोगे, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, बिकाजी ने कहा ठीक है। तो मैं जोधा ने कहा कि ठीक है बेटा, तो तुझे एक काम करने पड़ेगा, जो तू राजा बनने वाला है वो तू राजा नहीं बनेगा, और तेरा भाई है सातल देव वो राजा बनेगा, ठीक है, सातल देव राजा बनेगा। तो फिर पिताजी ने कहा, उस बिकाजी ने कहा कि ठीक है, मैं वचन, आपने आपको वचन दिया था कि आप जो कहेंगे वो कहेंगे, लेकिन मैं भी कहता हूँ कि मैं वचन के ऊपर वचन मांग सकता हूँ, ठीक है। तो इन्होंने बीकाजी ने, ठीक, उन्होंने कहा था ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर राजभार तो जोधपुर में नहीं करूँगा, लेकिन ठीक है बाकी जगह कहीं भी कुछ भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर यहाँ से बीका निकल गए, ठीक है, वहाँ से निकल गए। फिर ये आगे गए, 1665 की बात है, ठीक है, वहाँ से निकल गए, वहाँ से निकले और फिर चले गए, आगे गए, आगे गए, आगे गए। एक जगह आती है मतलब जिसका नाम है, एक जगह थी कोडम देसर, कोडम देसर इस जगह का नाम था, कोडम देसर। वहाँ गए, थके हुए बैठे, फिर वहाँ बैठे और फिर उन्होंने देखा कि जगह अच्छी है, बहुत लंबी चौड़ी है। तो फिर उन्होंने सोचा कि यहीं पे अपन का बना लेंगे। फिर इसको मतलब कहते हैं कि पहली राजधानी थी बीका की, पहली राजधानी बोलते हैं इसको इतिहास में, ठीक है। फिर उसके बाद आगे गए, घूमते 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 गए, एक जगह देखी उन्होंने, तो वहाँ पे जाट लोग थे, वहाँ पे बहुत शासक करते जाट थे, वहाँ पे मतलब उनकी बहुत इनकम थी, जो कशिश है वो खेती करते थे वगैरह। तो फिर आसपास के लोगों से ही मतलब ये वसूल करने लगा कि लगान वसूल करने लगा, मैं यहाँ पे जोधपुर का राजा हूँ, राजा का बेटा हूँ वगैरह, इसलिए इनको लगान आ जाती थी, काम चल जाता था। फिर इन्होंने एक जमीन देखी और उससे बोला, एक नेहरा नाम का आदमी था, नेहरा, ठीक है, इसे बोला कि भाई ये जमीन तो तुझे देनी पड़ेगी। ये बोला नेहरा कि मैं सब कुछ दे दूंगा, लगान दे दूंगा जितने आप कहोगे, लेकिन मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा। फिर भी समझाया उन्होंने, बीका ने कहा कि जमीन तो मैं लेके ही रहूंगा। तो फिर नेहरा ने कहा कि आखिर मुझे क्या फायदा मिलेगा। तो बीका जी ने कहा कि आपको भी फायदा मिलेगा, मैं एक ऐसा कुछ करूंगा जिसमें आपका नाम इतिहास में अमर रहेगा और इतिहास आपको याद करेगा, लोग आपको याद करेंगे। तो अभी इन्होंने एक, जो आपको बताया कि बीकानेर की स्थापना की थी, जो बीका है तो ये बीका जी के नाम पे है, और नेर है जो है ये नेहरा के नाम पे है, ठीक है, इसके नाम पड़ा बीकानेर नाम पड़ा। और 1488 में इन्होंने बीकानेर की स्थापना की, ठीक है, 1788 में इसने बीकानेर की स्थापना की। तो आपको पता चला कि बीकानेर नाम क्यों पड़ा वगैरह, इसका इतिहास इसके बारे में ऐसा था, ठीक है, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि यहाँ पे जोधपुर में जो था वो शासक बना सातल देव। जोधपुर में शासक बना सातल देव, जोधपुर में सातल देव शासक बना। ये लगभग 1489 से 92 ईस्वी तक बना था, ये वैसे कोई याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ये मतलब ये सन याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात आती है जो आपको बता रहा हूँ कि क्या हुआ कि ये राजा थे यहाँ पे, और यहाँ पे एक सेनापति अजमेर, ये सेनापति है यहाँ पे, सेनापति नहीं, ये एक मलुखा था, मलुखा, ठीक है, अजमेर की बात है, वहाँ पे ये मलुखा था। तो इसका सेनापति था गुडले खा, गुडले खा इनका सेनापति था। फिर क्या किया इन्होंने, गुडले खान ने जो कन्याएं थी, छोटी छोटी कन्याएं थी, लगभग 140 कन्याएं,
140 कन्याओं का इन्होंने क्या कर लिया, अपहरण कर लिया। किसने 140 कन्याओं का गुड़ले खाने अपहरण कर लिया। फिर क्या हुआ कि ये बात पड़ी, पता चली किसको, सातल देव को ये बात पता चली। तो उसके बाद ये आए सातल देव, यहाँ पे आए सातल देव ये। फिर उन्होंने क्या हुआ कि ये इसको ढूंढा लेकिन मिला नहीं, ये भाग गया था अपहरण करके। फिर ये कहते हैं इतिहास में कि ये इनके घर गया, इनके घर देखा था इसकी इनकी पुत्र थी, गुड़ले खा गई पुत्री थी, इसका नाम था बिंदोली, ठीक है, इसका नाम था बिंदोली। इसको भी क्या किया सातल देव ने वहाँ से उठा लिया, उठा लेने उसको बोला कि आप मेरे साथ, इन्होंने कुछ कहा तो उसने कहा कि मैं तेरे बाप की तरह नहीं हूँ जो मतलब कुछ भी ऐसा कुछ करूँगा, ठीक है। इन्होंने उठा लिया और आराम लेके आए। फिर जैसे ही रास्ता में लेके आ रहे थे तो रास्ता में इनको गुडले खा दिख गया, ठीक है, गुडले खा दिख गया, ठीक है। यहाँ पे मतलब इन दोनों का क्या हुआ, युद्ध हुआ। इन्होंने क्या किया कि इनकी गुडले खा की गर्दन काट ली, ठीक है। फिर बच्चे छोटी छोटी कन्याएं थी, इन्होंने क्या होगा, कोई कहता है कि मतलब सबका अलग अलग मत है, ये कहते हैं कि इन्होंने क्या कन्या को उसका गर्दन को लिया पूरा और उसके अंदर एक वो लिया मटका, उसमें घुमाया और डांस करने लगी, ऐसा ऐसा डांस करने लगी। तो लोग के डांस करने लग गई तो लोग उसके नाम के कहते हैं कि मतलब ये गुडले का ये मतलब ये गुडला तैयार है, गुडला तैयार, या कुछ सुना होगा कि गुडला तैयार है, ठीक है, ये मनाना स्टार्ट हुआ, ठीक है। लेकिन कोई कहता है, किसी का मत है कि इनकी पुत्री थी बिंदोली। इन्होंने कहा कि आपने मेरे पापा को तो मार दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पापा को अमर कर दीजिए। तो कोई कहता है कि पापा, इन्होंने बिंदोली के कहने पे सातल देव ने जो ये गुडले का त्यौहार उसके वगैरह मनाते हैं, ठीक है, ये मनाते हैं, ठीक है। इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था भटियाणी, एक तालाब का निर्माण करवाया था जिसका नाम फुलेलाब तालाब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आज का टॉपिक अपन यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। और एक बार आपको फिर से कहता हूँ कि आप सक्षम ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार हमारे वीडियो मिलते रहेंगे आपको। थैंक यू, ठीक है।